देवी देवताओं की मूर्तियों से कैसे वरदान मिलते हैं या इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं, जबकि वो देवी देवताओं ने जन्म लेकर और कहीं और किसी रूप में पाठ बजा रही है। 33 करोड़ देवी देवताएं आपने बताया है, 33 करोड़ देवी देवताएं शरीर लेकर कहीं ना कहीं किसी और रूप में पाठ बजा रही हैं। ये उनकी उस समय की जड़ मूर्तियां रखी हैं, उन जड़ मूर्तियों की पूजा अर्चना करके भक्त लोग उन मूर्तियों के पास जाकर जो इच्छा रखते हैं, जो वरदान, जो कुछ चाहते हैं, वो उनको फिर कैसे मिलता है? जैसे मैं जो काम कर सकता हूं, अब मैं शरीर छोड़ दूं, मेरी जैसी एकदम मूर्ति बना के यहां रख दी जाए, क्या वो मूर्ति काम कर सकेगी? जब मैंने दूसरी जगह जन्म ले लिया, मैं वहां जाकर कर्म कर रहा हूं, मैं यहां आकर आप मेरी मूर्ति के आगे कोई भी कर्म, कोई भी बात, कोई भी कुछ कहे, मेरी मूर्ति क्या उन कामों को करेगी? नहीं करेगी। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह अपने आपको समझाने नहीं करेगी। ना होता है ये एक साइकोलॉजिकली, जैसे किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और वो बार बार सोचता रहता है तो उसको लगता है कुछ मिल गया। मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे वहां से मिल गया, विश्वास के कारण लगा कि मुझे वहां से मिल गया, पर तो मिलता हर एक आत्मा के अपने कर्म का परिणाम है। वरना एक ही जड़ मूर्ति कहीं भी रखी होती, सारे उसी के पास जाते और सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती, पर तो किसी की कोई इच्छा रखी और हो गई और बाकी सबकी नहीं हुई, उनका क्या हुआ? बहुत बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति से कोई भी इच्छित फल नहीं प्राप्त होता, वो आपके ही किए कर्म का फल हो सकता है। परंतु सत्य तो यही मिलेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, देवताओं की मूर्तियों से इच्छित फल नहीं प्राप्त होता, कोई वरदान आदि प्राप्त नहीं होता। यदि कहीं प्राप्त होता है तो मुझे बताओ, मैं गारंटी लेता हूं पूरी दुनिया से पाप और भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।
ओम शांति।